आप सभी भक्तों का सदृढ़ हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं सर्वप्रथम यहाँ पर विराजे धर्म वैष्णव भगवान के परम भक्त साक्षात वृंदावन धाम से पधारे महाराज जी के चरणों में मैं दंडवत और मैं उनका वैष्णव प्रणाम के द्वारा प्रणाम करता हूँ। आप सभी महाराज जी के चरणों में प्रणाम कीजिए। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज मेरा परम सौभाग्य है ऐसे भक्त के बीच में, ऐसे महावैष्णव के बीच में बैठकर मैं कथा कहूं। इनके सामने कथा कहने की मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही है। मैं इनके सामने कुछ बोलूं ये एक छोटी मोट बड़ी बात हो जाती है, परंतु मैं इनसे आदेश लेकर यदि महाराज जी का आदेश हो तो मैं कुछ जिस प्रकार एक पिता अपने जिस प्रकार एक पुत्र अपनी पुत्री पानी से अपने पिता को प्रसन्न करना चाहता है, ठीक उसी प्रकार से मैं अपनी इस छोटी सी मुख से अपनी तोतली वाणी से महाराज जी के चरणों में महाराज जी को आज कुछ भगवान के विषय में जो उनसे भी मैं सीखा हूँ उन्हें मैं श्रवण कराऊँ। आइए हम सब कथा श्रवण करना प्रारंभ करें। महाराज जी यहाँ पे जो 24 अवतार की कथा चल रही है मैंने प्रारंभ किया था, और 24वें अवतार में भगवान श्री रामचंद्र का 18वें अवतार का रामचरित्र का वर्णन चल रहा है। और उस वर्णन में गत सत्र में हमने भगवान का बाल्य लीला का श्रवण किया था। माता कौशल्या के द्वारा भगवान को भोजन कराना, पिता के द्वारा बुलाने जाना, अनेकों बाल लीला का श्रवण हम सभी भक्तों ने यहाँ पर किया था। और बड़े ही सुंदर उनका द्विज संस्कार हुआ, तत्पश्चात नेम संस्कार हुआ, जनेऊ आई, साक्षात भगवान अपने गुरु के गृह गए, गुरु से शिक्षा प्राप्त करके अयोध्या को लौटे हैं। और अयोध्या लौटने के पश्चात बड़ी सुंदर लीला हो रही है, सब लोग बड़े ही आनंदित हैं। और एक दिन की घटना का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, विश्वामित्र नाम के ऋषि मुनि अनेक ऋषि मुनियों के साथ यज्ञ कर रहे थे, परंतु यज्ञ में अनेक असुर ताड़का सुबाहु मारीच इत्यादि असुरगण बाधा दे रहे थे, विघ्न डाल रहे थे, अतः यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था। विश्वामित्र जी यज्ञ को पूर्ण करने के लिए अपने मन में विचार करने लगे कि ये जो असुर हैं, ये जो विघ्न डाल रहे हैं, इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। और भक्तों पुराणों में सवाल उठाया गया, प्रश्न उठाया गया कि असुर किसे कहते हैं, असुर कौन है। तब पुराणों में कहा गया, बोले विष्णु भक्ता सुरा भक्ता, जो भगवान की विष्णु करते हैं उसे देवता कहते हैं। और असुर एतदा विप्रेया, जो इसके विपरीत हो, जो भगवान की भक्ति में भगवान विष्णु की भक्ति में बाधा उत्पन्न करे, जो भगवान विष्णु की भक्ति से विपरीत चले उसे असुर कहा जाता है। तब विश्वामित्र जी ने सोचा, भगवान के बिना इन असुरों का कोई वध नहीं कर सकता, और इस समय भगवान अयोध्या में अवतार ले चुके हैं पृथ्वी का भार दूर करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए। अतः तुरंत अपने मन में विचार करके विश्वामित्र जी अयोध्या आए। विश्वामित्र जी अयोध्या आए हैं ये सुनकर राजा दशरथ परम प्रसन्न हो गए। बहुत सुंदर यथा उचित आसन प्रदान किया गया, माला पर
बनाई, हार माला बनाए, पूजा किए, बहुत सुंदर स्थिति हुई, भोजन कराया गया। और भोजन कराने के बाद राजा दशरथ ने पूछा कि महाराज आप बताइए आपका आगमन अयोध्या में किस कारणवश हुआ है। तब विश्वामित्र जी कहते हैं, असुर समूह सतावन मोहि, मैं जाचन जायब नृप तोहि। ये नृप, ये राजन, यहाँ पर मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि असुर गण मुझे बहुत सता रहे हैं। राजा दशरथ बोले, अच्छा असुर गण सता रहे हैं तो उनसे छुटकारा पाने के लिए मुक्ति के लिए आपने कोई विचार सोचा है। विश्वामित्र जी कहते हैं, हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पुत्र राम और लक्ष्मण मेरे साथ जाए और उन राक्षसों का, उन असुरों का वध करें। मैं यहाँ पर आपके दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को लेकर आया हूँ। इतना सुनते ही जैसे बारिश के मौसम में बिजली कड़क जाती है, राजा दशरथ के हृदय में बिजली चमक गई। जैसे बिजली गिरने से सदियों से खड़ा वट वृक्ष गिर जाता है, राजा दशरथ गिर गए। और गिरते हुए दुखी मन से राजा दशरथ कहते हैं, चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहे हूं बिचारी। हे ब्राह्मण देवता, आप क्या बोल रहे हैं, थोड़ा विचार तो करो। चौथे पन, जीवन का इतना लंबा समय बीत गया, इतने उम्र के पश्चात मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है और आप मेरे पुत्र को लेकर जाना चाहते हो, और उसमें भी राम, राम तो मेरे प्राण है। हे ब्रह्मा देवता, थोड़ी सोच समझकर, थोड़ी विचार करके बात करना। आप कहो तो मैं आपको हजारों गाय दान में दे दूं, आप कहो तो अनेकों नौकर चाकर स्वर्ण आभूषण तेरे मोती दान में दे दूं, आप कहो हे ब्राह्मण देवता मैं दशरथ आपके साथ चलूं, अपने चंदन की नई सेना को लेकर चलूं, परंतु आप मेरे पुत्र को लेकर जाएं। राजा दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। बोले, आप राम को लेकर मत जाइए, जैसे पानी को छोड़कर मछली एक पल भी जीवित नहीं रह सकती है, रह सकती है, ठीक उसी प्रकार से मैं राम के विरह में एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार से राजा दशरथ दुखी हुए, अनंत तरीके से उसका वर्णन किए, अनंत तरीके से वर्णन किए, अपने दुख को व्यक्त किए। तब वहां पर वशिष्ठ बैठे थे, परिस्थिति को देखकर, समय को देखकर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को समझाया कि राजन पुत्र के मोह में इतना मत पड़ो, याद करो वह दिन, ये पुत्र तुम्हें यज्ञ की कृपा से ही प्राप्त हुई है, यज्ञ के कारण ही तुम्हें पुत्र मिले हैं, और यज्ञ की रक्षा करना ये तुम्हारे पुत्र का धर्म है, और जिस ब्राह्मण की कृपा से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है, पुत्र मिले हैं, आज वही ब्राह्मण आपके पुत्र को लेकर जाना चाहते हैं, तो आपको रोकना नहीं चाहिए। वशिष्ठ जी ने आज्ञा दिया और राजा दशरथ ने अपने पुत्र को आज्ञा दिया, दोनों पुत्र को वशिष्ठ विश्वामित्र जी के साथ कह दिए, और बहुत सुंदर सिद्धांत स्थापित किए भक्तों कि जीवन में प्राण से भी प्रिय यदि कोई वस्तु हो, और यदि गुरु महाराज की आज्ञा हो, गुरुदेव की आज्ञा हो, तो बिना कुछ सोचे समझे गुरुदेव के चरणों में सौंप देना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी अपने पिता से आज्ञा लेकर कौशल्या जी के पास गए, बोले कोई मां हम वन को जा रहे हैं विश्वामित्र जी के साथ। कौशल्या जी बड़े प्रसन्न हो गए क्योंकि उन्हें किसी साधु ने कहा था कि जब आपके पुत्र को बड़े हो जाए और उन्हें कोई लेने आए, कोई साधु लेने आए, तो उनके साथ दे देना, वो जाएंगे तो सिंगल पर आएंगे डबल होकर, अतः आपके पुत्र की विवाह हो जाएगी, और कौन माता नहीं चाहता कि उनके पुत्र की विवाह जल्दी हो जाए। अतः कौशल्या जी ने तुरंत अपने दोनों पुत्र को विवाह
विराटिया राम और लक्ष्मण निकले हैं वन के मार्ग से, परंतु आज भगवान श्री रामचंद्र के नयन नेत्र बड़े चंचल हो रहे हैं। यदि कोई हिरण वहां से गुजर रही है तो भगवान दौड़ के उनके पीछे जा रहे हैं, कोई खरगोश दौड़ रहा है तो भगवान दौड़ के उनके पीछे, कोई मृग तो भगवान उनके पीछे। विश्वामित्र जी के मन में एक कुछ पल के लिए संशय हो गया, खरगोश के और हिरण के पीछे दौड़ने वाले भगवान है, इतना चंचल ये भगवान कैसे हो सकते हैं। तब रास्ते में विश्वामित्र जी का संदेह दूर करने के लिए तारका नाम की राक्षसी मिली। विश्वामित्र जी ने कहा, राम लक्ष्मण ये तारका राक्षसी है, इसका वध करो। तुरंत भगवान ने अपना धनुष उठाया और अपने धनुष बाण से तारका का वध कर दिया। देखिए जब त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र ने जन्म लिया तो सबसे पहले ओपनिंग मारने की राक्षसी से किए, और जब द्वापर युग में कृष्ण रूप में आए तो भी सबसे पहले पुतना को मारे। दोनों समय ओपनिंग एक स्त्री से ही किए। इसके पीछे बड़ा सुंदर सिद्धांत किया है तो संतों ने कि असुरों को पैदा करने वाला उनकी जननी को ही पहले मार डालो, यदि जननी मर जाएगी तो असुर पैदा नहीं होंगे। और इसलिए भगवान ने इस संसार में असुर को जन्म देने वाली राक्षसी का वध कर दिया। तत्पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंचे। दूसरे दिन सुबह जगे, जगते ही भगवान ने विश्वामित्र जी से कहा कि आप यज्ञ प्रारंभ करो, हम यहाँ बाहर खड़े हैं, कौन आता है हम लोग देखेंगे, आप यज्ञ प्रारंभ करो। यज्ञ प्रारंभ हुआ और यज्ञ में विघ्न देने के लिए मारीच नाम का असुर आया। भगवान श्री रामचंद्र ने बिना भर के बाण, बिना धनुष लगाए हुए हाथ से ही ऐसे करके मारा, मारीच 400 कोस 400 योजन दूर जाकर गिरा। गिरा तो गिरा और मन में सोच लिया, एहसास हो गया कि ऐसी गलती फिर दोबारा कभी नहीं करूंगा। यदि बिना भर का बाण मारा तो 400 कोस दूर में जा गिरा, यदि इसी बाण को धनुष में लगा करके मारते और भर रहता तो पता नहीं मैं अंतरिक्ष के उस पार जाकर घूमता, ऐसी गलती फिर कभी नहीं। और भगवान ने सोचा कि ये मारीच आगे की लीला में सहायता करेगा, इसलिए नहीं मारा। फिर सुबाहु आया, सुबाहु को पाव का शर नामक संत से वध किया। अनेक असुर आए, भगवान ने अपनी माया से अनेकों असुरों को वध किया। वैसे कथा तो बहुत लंबी है भक्तों, और मुझे आधा से पौने घंटा का समय आज मिला है, तो मैं प्रयास करूंगा या कौशल्या उद्धार तक की कथा मैं आपको कह दूं। तो जब सब असुर गण आए और जब भगवान को मारने का प्रयास कर रहे थे तो उस असुर गण के लीडर थे, उन्होंने बोला अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बोले अरे क्या हुआ, हम तो इनको मारने के लिए आए। बोले नहीं नहीं मारना नहीं है यार, इतना सुंदर बालक है, इतना सुंदर दिख रहा है, इसको कोई मारेगा क्या? बोले क्या करेंगे? कुछ नहीं, इसको किसी तरह से पकड़ो और ले चलो लंका, इतना सुंदर दिखता है, इसे लंका में रखेंगे और डेली सवेरे सवेरे इसका दर्शन करेंगे और आनंद लेंगे। ये है भगवान का रूप, ये है भगवान की सुंदरता भक्तों, कि बड़े बड़े असुर गण भी अपने असुरत्व को भूल जाते हैं। मुनि मन हारी, मुनिया का मन जो बड़ा ही शांत होता है, उस मुनियों के मन को भी भगवान चंचल कर देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने सबको मोहित किया, सबका वध किया और विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा किए। अब विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा हुई, अब जनकपुर के धनुष यज्ञ की बारी। विश्वामित्र जी के पास संदेश आया कि जनकपुर में भी यज्ञ होने वाला है, धनुष यज्ञ। दूसरे दिन विश्वामित्र जी ने कहा कि राम आपने मेरे यज्ञ को तो पूरा कर दिया, परंतु अयोध्या में भी एक यज्ञ पूर्ण हो रहा है, यदि तुम चलो तो जनक के भी यज्ञ को पूर्ण कर दो। जनकपुर में यज्ञ हो रहा है, आप वहां भी जाकर यज्ञ पूर्ण कर दो। बोले ठीक है, भगवान मुस्कुरा करके बोले ठीक है महाराज, यदि आपकी इच्छा है
चलते हैं साथ में। जनक जी का भी यज्ञ सफल कर देते हैं, यज्ञ पूर्ण करने निकले ही हैं, तो क्या बार बार घर जाना फिर आना है? एक ही बार निकले तो सारा यज्ञ को पूर्ण करते हुए चलते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर से चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ के बारे में जब भगवान ने सुना, हर से चले मुनिवर के साथा, हर्षित होकर महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान श्री रामचंद्र चलने लगे। वन के मार्ग से जनकपुर की ओर जा रहे हैं, वन के माध्यम से, और घोर वन है, और उस घोर वन में भगवान लेकर रूप कृष्ण क्या देखा, आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनामाही। बहुत सुंदर एक आश्रम था, परंतु देखा कि उस आश्रम में कोई नहीं रहता है। भगवान ने विश्वामित्र जी से पूछा, प्रभु ये घोर वन में ये आश्रम किसने बनाया है? इतना सुंदर आश्रम है और इतना सुंदर आश्रम बनाकर यहाँ कोई रह नहीं रहा है, क्या कारण है? और भगवान की दृष्टि उस आश्रम के प्रांगण में पड़ी हुई एक पत्थर के ऊपर गई। भगवान ने पूछा, प्रभु ये पत्थर ये स्त्री के आकार का पत्थर कौन है? ये पत्थर ये आश्रम क्या है प्रभु? जब भगवान ने विश्वामित्र से पूछा कि ये सब क्या है, तब विश्वामित्र जी कहते हैं, भूतम नारी श्राप वश ऊपर देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करमो रघुवीर। हे राघव, हे रघुवीर, गौतम नारी श्राप वश, गौतम ऋषि की पत्नी पाप के कारण नहीं श्राप के कारण यहाँ पर पत्थर पर भी पड़ी हुई है। ये गौतम ऋषि का आश्रम है, एक दिन हुआ करता था और यहाँ पर गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या रहा करती थी। एक समय की बात, गौतम ऋषि रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान करने जाते थे। पहले के जमाने में अलार्म क्लॉक नहीं हुआ करता था, मुर्गे होते थे, मुर्गे ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे और वे जब अपनी आवाज करते थे तो ऋषि मुनि जग जाते थे। तो अब तो मुर्गे की बात रही नहीं, क्योंकि जब से हमने मुर्गे को काट कर खाना प्रारंभ कर दिया तब से मुर्गे ने बांध देना बंद कर दिया, इसलिए अब अलार्म क्लॉक आ गया है। तो उस समय रात को 2 बजे एक दिन की बात, कहते हैं गोस्वामी जी, उस दिन जब इंद्र का मन गौतम ऋषि की पत्नी के ऊपर आ गया, तो एक दिन रात को 2 बजे इंद्र मुर्गे का रूप लेकर आया और मुर्गे की आवाज करने लगा। गौतम ऋषि को लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है, वह घर से बाहर निकल गए, नदी में स्नान करने चले गए और इंद्र गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या के घर पर आए और अहिल्या के साथ संग किए। इधर गौतम ऋषि ने देखा कि ब्रह्म मुहूर्त हुआ नहीं है, वापस घर पर आए तो देखे कि घर से मेरा ही रूप धारण करके कोई व्यक्ति जा रहा है, वो कौन है? तुरंत गौतम ऋषि दौड़ते हुए अपने घर पर आए और अपनी पत्नी अहिल्या से पूछे कि सच सच बताओ क्या हुआ है। अहिल्या तो बेचारी कुछ समझ नहीं पाई, अबाक रह गई कि यदि ये मेरे पति हैं तो जो पहले थे, जो मेरे साथ थे, वो कौन थे? गौतम ऋषि बार बार कहने लगे कि बताओ क्या हुआ है, क्या हुआ है, और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर की समान खड़ी रह गई, कुछ बोल नहीं पाई। तब गौतम ऋषि को क्रोध आ गया और कह दिया कि तुम पत्थर की तरह खड़ी हो, बोल नहीं रही हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पत्थर हो जाओ। और वहां इंद्र को श्राप दिया कि तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाएं और उस छिद्र से तुमने आज तक जितने भी पुण्य किए हैं उस छिद्र के द्वारा उस सारे पुण्य निकल जाए, तुम पुण्य
कारवतम ऋषि ने श्राप दिया, परंतु हे राम हे रघुवीर, ये गौतम ऋषि की पत्नी की अहिल्या कई वर्षों से यहाँ पर पत्थर बनकर बैठी है केवल तुम्हारे लिए। वास्तव में अहिल्या से पाप हुई थी, परंतु पाप करने के बाद अहिल्या अपने पाप को छिपा नहीं रही थी। अहिल्या बिल्कुल मार्ग पर आकर बैठी थी, अपने घर के अंदर नहीं आकर बैठी थी। किसी ने कहा अहिल्या मार्ग पर क्यों बैठी हो, संतों ने सवाल उठाया कि अहिल्या मार्ग पर क्यों बैठी हो, घर पर जाके बैठो। अहिल्या अनेक लोग इस मार्ग से आएंगे और अनेक लोग तुम्हें ठोकर मारेंगे। अहिल्या ने कहा कि मैंने पाप किया है और जगत के सामने मैं मेरे पाप को स्वीकार करती हूँ, और यदि जगत के लोग मुझे ठोकर मारे, मुझे गाली भी दे दे, क्यों ना अनेक लोग मुझे प्रत्येक दिन ठोकर मारे, लात मारे, परंतु उनकी लात खाते खाते, उनकी ठोकर खाते खाते एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे भगवान की चरणों की ठोकर लगेगी और मेरा उद्धार हो जाएगा। अतः अहिल्या वहीं पर मार्ग पर बैठी रही। बहुत सुंदर भक्तों अहिल्या ने बताया कि भूल करना ये सब का स्वभाव है, बड़े बड़े देवताओं से भूल हो जाती है, देवताओं छोड़िए देवताओं के राजा इंद्र से जब भूल हो जाती है, और जब नहीं भागवत को आप उठा करके देखिए सबसे ज्यादा आदि किसी का भूल है तो वो है इंद्र है। क्या नहीं किया इन्होंने, दुर्वासा ऋषि का अपमान, भगवान विष्णु का अपमान, पृथु महाराज के यज्ञ में विघ्न, यहाँ तक कि साक्षात भगवान कृष्ण को भी अपमान किया, व्रज को बहा देने का प्रयास किया, परंतु भक्तों इन देवताओं ने भी भूल है। जब इंद्र आदि देवताओं से भूल हो जाती है और जब ज्ञान हो जाता है तब वे अपने भूल को स्वीकार करते और प्राश्चित कर लेते हैं, तो बड़े बड़े देवताओं से भूल हो जाते हैं भक्तों। तो हम मनुष्य क्या है, हम मनुष्य से भूल हो जाए तो हमें प्राश्चित करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। यदि हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो उसकी पाप की सजा हमें करोड़ों वर्षों तक नरक में भोगनी पड़ेगी। इतिहास उठा करके देख लीजिए भक्तों, जिन जिन लोगों ने अपने पाप को स्वीकारा, पाप का इजहार किया, निश्चित में सभी पापों से मुक्त हो गए। कल का इतिहास भक्तों, गुजरात के कच्छ में रहने वाला परम पराक्रमी अद्भुत वीर जिसका नाम था जैसल जाडेजा, जिसने कच्छ को छिन्न भिन्न कर दिया था, ऐसा एक पाप नहीं था जिसे जैसल ने नहीं किया था। सभी पाप किए थे जैसल ने। एक दिन की बात, नदी से जा रहे थे, परम संत साध्वी तोरण के साथ बैठी थी, नदी में बहार आ गई और दुर्भाग्य था कि जैसल को तैरने नहीं आता था। नदी के पहाड़ को देखकर वह वीर मृत्यु से घबरा गया, मृत्यु से डरने लगा। दोनों हाथ जोड़कर वह जैसल परम साध्वी के चरणों में गिर गया, एक से एक प्राकरण किए, परंतु आज मौत के भय से कांपने लगा। वह दोनों हाथ जोड़कर तौरल के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि हे देवी, मुझे इस मृत्यु से बचा लो, क्योंकि आज मैं मर जाऊंगा और मृत्यु के बाद पता नहीं क्या होगा। तब तौरल ने उस समय यही कहा कि इस नाव में इस समय बहुत वजन है और वजन के कारण यह नाव टकराने लगी है, जाने का इस नाव का वजन कम करो। तो नाव का अर्थ है हमारा शरीर, जब तक हमारे शरीर रूपी नाव में पाप रहेगा हमारा जीवन टकराता रहेगा, परंतु जैसे ही शरीर रूपी नाव से वह पाप खाली कर देंगे हमारा जीवन का नैया तट पर। जैसे ही तोरल ने कहा आप अपने पाप का इजहार करना प्रारंभ करो, जैसल जडेजा के हृदय में जितने भी पाप थे सब को बाहर निकालने लगा। वह कहने लगा कि ये साध्वी, ये देवी, मैंने ऐसा कौन सा पाप है जो
मेरे बल में आग लगाए, मैंने जीव जंतुओं का वध किया, मैंने स्त्रियों की बारात को लूटा, मैंने गाय को मारा, मैं कितने गिनाऊं, हे साध्वी मस्तक के बालों को गिनना संभव है लेकिन मेरे पापों को गिनना संभव है। अनेकों पाप किए हैं सती रानी, जैसे ही अपने पाप का इजहार किया भक्तों कुछ नहीं आती तुरंत तट पर आ गई। अतः यह कि आपने मार्ग पर बैठी है देख रही है कि कब भगवान मुझ पर कृपा करेंगे, संसार के लोग मुझे ठोकर मारे परंतु मुझे एक ना एक दिन भगवान की ठोकर लगेगी। तब विश्वामित्र जी ने कहा, राम तुम्हारी ये अहल्या राह देख रही है, तुम जाओ और उनका विहार करो। विश्वामित्र जी के कहने पर श्री रामचंद्र जी आगे बढ़े हैं। जैसे ही आगे बढ़े अपने कदम को धीरे धीरे आगे बढ़ाना प्रारंभ किया, अपना चरण जब भगवान ने ऊपर किया, चरण की रज जैसे ही उस पत्थर पर स्पर्श हुई, भगवान की रज उस चरण उस पत्थर के उस पत्थर को स्पर्श करते ही प्रकाश पंच उत्पन्न हुआ और उस पत्थर से एक दिव्य नारी प्रकट हो गई। पर सत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप पुंज सही हो। पर सत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप पुंज सही। प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ और सुंदर रूप धारण किए हुए अहल्या प्रकट हो गई। भगवान का चरण रज स्पर्श होते ही अहल्या श्राप से मुक्त हो गई। अहल्या के शरीर का तेज निकलने लगा। आज भी कई लोग भक्तों अपने शरीर के तेज को बढ़ाना चाहते हैं और उस तेज को बढ़ाने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाते हैं और अनेकों घंटों तक मेकअप कराती है, परंतु यदि आप अपने शरीर का तेज बढ़ाना चाहते हो तो ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं, अपने सर को अपने मस्तक को भगवान के चरणों में सौंप दो, आपके तेज बढ़ जाएगा। ब्यूटी पार्लर का तेज एक घंटे दो घंटे दस घंटे के लिए रहेगा, परंतु यदि आप भगवान के चरण को स्पर्श हो जाते हो तो आपका तेज एक दिन नहीं दस दिन नहीं दस साल नहीं ये सुंदरता जन्म जन्मांतर तक रही आई। देख रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हो Hello.
रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल मानी अस्तु ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई खुरा जीव विदोषन पव भय मोचन पाई पाई चाहती है परंतु कुछ कह नहीं पा रही है। अहल्या की वाणी अहल्या की कला भर आया है। और प्रयास करके भगवान को स्तुति करने लगी। हे राजीव लोचन, हे कमल लोचन, हे कमल के समान सुंदर कोमल और सुगंधित ये गवाले, हे राम आज मैं धन्य हो गई, आज मैं धन्य हो गई, आज आपका दर्शन मिला, आपके चरण की रात रज मिली। और सच कहूं प्रभु, आपके चरण को पा रज को पा करके मैं आज धन्य हो गई। और प्रभु ये जो कुछ भी हुआ इसके पीछे मात्र और मात्र मेरे पति के कारण है, मात्र गौतम ऋषि का गौतम ऋषि कृपा ही है। उन्होंने उस ऋषि ने उस साधु ने मुझे यदि श्राप ना दिया होता तो आज मुझे आपकी प्राप्ति नहीं हुई होती। कई बार कोई गुरुजन हम पर क्रोध करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। कई बार कोई गुरु अपने शिष्य को कुछ डांटते हैं तो शिष्य को अच्छा नहीं लगता। परंतु ये शास्त्र का काट्य सिद्धांत है भक्तों कि जब कोई वरिष्ठ जब कोई गुरुजन अपने आश्रित पर क्रोध करते हैं तो वह क्रोध क्रोध नहीं अनुग्रह है, उनका वरदान होता है। मुनि श्राप जो दिन्ना अति बल की ना मुनि श्राप जो दिन्ना अति बल की ना परम अनुग्रह मेवाना सदेखो बरी लोचन हरि भक्त मोचन आपकी प्राप्ति ना होती। धन्य है उस ऋषि का श्राप, धन्य है उस साधु का श्राप जिसके एक वचन के मात्र से मुझे आज आपका दर्शन हो रहा है। भगवान कौशल्या की स्तुति को सुनकर प्रसन्न हो गई। भगवान ने कहा, अहल्या मैं तुम पर परम प्रसन्न हूं, जो चाहती हो मांग लो। अहल्या ने बहुत सुंदर कहा, प्रभु प्रभु मैं तो जन्म से नारी हूं, जन्म से अपावन हूं, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं क्या जानूं मुझे क्या मांगना चाहिए। कितनी सुंदर बात है भक्तों, पर ध्यान होते तो एक लंबा चौड़ा लिस्ट दे देते, ये चाहिए वो चाहिए। धन्य है अहल्या जो कहती है, प्रभु मुझे तो मांगना ही नहीं आता। और ये सत्य बात है भक्तों, हम भगवान से कुछ मांगते तो है, हमें मिल भी जाता है, परंतु क्या वो मिलने के बाद हमारी इच्छा खत्म हो जाती है? नहीं, हमारी मांग और भगवान से बढ़ जाती है। अरे मांगना तो उसे कहते हैं जिसे एक बार मांग लो तो फिर जीवन में दूसरी बार कभी मांगना ना पड़े। ऐसा भी क्या मांगना जो बार बार मांगते रहना पड़े। तब देवी अहल्या कहती है कि प्रभु मुझे तो मांगना नहीं आता, लेकिन आपको अभी कुछ देना है। पद कमल परागा रस अनुरागा, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधु पर पाना अचे ही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीर्ष भई
आदि आपको देना है तो आप मुझे वरदान दीजिए, आप कृपा कीजिए कि मेरा मन रूपी भोरा आपके चरण कमल रूपी कमल के पराग में आसक्त रहे। जैसे भोरा दूर से आता है और कमल की पराग में आसक्त रहता है, इतना आसक्त रहता है, इतना आसक्त रहता है कि संध्या का समय हो जाता है, कमल बंद होने वाला है और भोरा जानता है कि अब कमल बंद हो जाएगा। यदि मैं इस पराग को नहीं छोड़ा तो कमल बंद हो जाएगा, यदि मैं इसको नहीं त्यागूंगा तो मैं मर जाऊंगा। भोरा उस पराग को नहीं त्यागता, अपने प्राण को त्याग देता है परंतु उस पराग को कभी नहीं छोड़ता। ठीक उसी प्रकार से प्रभु आपके चरणों में कमल रूपी जो पराग रज लगी है, आपके चरण में जो रज लगी हुई है, मेरा मन रूपी भोरा आपके चरण रूपी पराग के रज में आसक्त रहे, आपको आपके चरण को छोड़कर कहीं ना जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम, हरे राम 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 सीताराम। Thank you.
कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। गौरांग महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।